शुक्रवार को सुबह से हो रही झमाझम बारिश से जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है, वहीं लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जनपद में शुक्रवार को 33.6 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा जनपद को येलो जोन में रखा गया है। उन्होंने बताया कि अभी अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कहीं पर भी शुक्रवार की हुई बारिश से कोई भी किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन अगर कहीं ऐसी आपदा आती है तो संबंधित व्यक्ति को राज्य आपदा मोचक निधि द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए ये मानसून का एंडिंग पॉइंट है और अब जो ये आज की जो वर्षा हुई है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो हमें सूचना प्राप्त हुई थी आज और कल के लिए उन्होंने अलर्ट जारी किया है, येलो जोन में गोरखपुर को रखा है। और अभी जिस तरह से वर्षा आज हुई है, कल छुटपुट वर्षा कल भी होने की संभावना है। और अभी आज जो दिन भर में वर्षा हुई वो 33.6 मिलीमीटर की अब तक जो रिकॉर्ड किया गया है, तो इस तरह से भी वर्षा 1-2 दिनों तक और होने की संभावना है। कहीं जलाने की सूचना नहीं, अभी इस तरह से कहीं कोई सूचना प्राप्त नहीं है, और यदि कहीं से इस तरह की कोई चीज़ें सूचना प्राप्त होंगी तो राज्य आपदा मोचक निधि के अंतर्गत उन्हें अनुमान्य सहायता प्रदान की जाएगी।